सांप के जहर की तस्करी में एल्विश यादव के शामिल होने से ज्यादा बड़ी खबर सांप के जहर की तस्करी होना है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि रेव पार्टियों में लोग सांप के जहर का नशा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही समझते थे कि बहुत वर्ष पहले आए सीरियल चंद्रकांता में शिवदत्त नाम का जो किरदार सांप से अपनी जीभ पर कटवाता था वो कोरी कल्पना थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो सच में होता है। हो सकता है कि आपको ये बात अटपटी लगे कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का सेवन भी होता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2015 में इंडियन जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ में रेव पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल पर बकायदा एक रिसर्च पेपर छप चुका है, जिसमें बताया गया था कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का नशा करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। लेकिन सांप के जहर का नशा कैसा होता है और ये शरीर पर क्या असर करता है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने अपोलो अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर जतिन आहूजा से बात की है। स्नेक वेनम को एज ए एडिक्शन की तरह यूज करना, ये तभी देखा गया है कि जैसे कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, दे आर न्यूरोटॉक्सिन्स, बट इनका एज ए एडिक्शन को यूज़ करना इज बिकॉज ऑफ दी कि जब हम एक सेंस ऑफ वेलबींग चाहते हों, एक किक चाहते हों, तो वैसा भी प्रयोग कई जगह हमारे इंडिया में होता है, स्पेशली कुछ रेव पार्टीज में या फिर एज ए ट्रेडिशनली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान के अंदर देखा गया है। दीज न्यूरोटॉक्सिन्स बॉडी की मसल्स जो होती हैं न्यूरोटॉक्सिटी प्रोड्यूस करके पैरालाइज कर देते हैं, एंड वन द पेशेंट गेंस कॉन्शियसनेस, जैसे ही पेशेंट को होश आता है या पेशेंट दोबारा अपने सेंस में आता है, तो जो किक आती है, जो सेंस ऑफ वेलबींग आती है, ये बहुत ही लंबा आती है, लगभग 3 से 4 हफ्ते तक रहती है। तो ऐसे में ना ही ओपियोइड की तरह विड्रावल देखा जाता है और एक जो इफेक्ट है वो बहुत लंबा देखा गया है। यानी जो अफीम, गांजा, चरस जो कॉमनली यूज होती है, उस तरह की एडिक्शन ही पैदा नहीं करता और लॉन्ग लास्टिंग। बिल्कुल, तो इसमें जो इफेक्ट है ये 3 हफ्ते तक रहेगा, पेशेंट बिल्कुल यूफोरिक रहेगा एंड उसको जो सेंस ऑफ वेलबींग है, जो किक लगती है, वो बहुत ही लंबी लगती है और पेशेंट हमेशा जो अब्यूजर होते हैं वो अच्छा फील करते हैं। तो यूजली ये 3 तरह के तरीके से यूज़ किया गया है, या तो डायरेक्टली स्नेक बाइट की जाए, उसमें रिस्क ये रहता है कि समटाइम्स क्या कहते हैं, अगर डोज ज़्यादा हो गई सो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो। सेकेंड केसेस में क्या होता है कि इसमें स्नेक वेनम को निकलवा के रखा जाता है, इसमें अडल्ट्रेशन भी की जाती है, उसमें किसी भी तरीके का जैसे ओपियोइड का अडल्ट्रेशन हो गई या अल्कोहल का अडल्ट्रेशन हो गई, ताकि इमीडिएट भी अच्छा इफेक्ट रहे और बाद में भी जब पेशेंट कॉन्शियस अच्छी गेन करे तो एक यूफोरिक इफेक्ट भी एक अच्छा आए। तो एक सेकेंड तरीका वो है। थर्ड तरीका होता है कि इसमें हम बाइट होती है जिसमें कहते हैं अंडर दी ट्रेंड पर्सन एक नॉमिनल बाइट की जाती है, चाहे वो टंग पे हो, चाहे वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स में हो, एंड इन दैट कंटेक्स्ट जो बंदे करवाते हैं टंग बाइट दे चार्ज सम पर अमाउंट आल्सो। सो इस तरीके से 3 तरीके से ऐसा देखा गया है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि एल्विश यादव जैसा सोशल मीडिया स्टार जो हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई करता है, वो सांप के जहर की तस्करी में शामिल क्यों होगा? ये समझने के लिए आपको सांपों के जहर के काले कारोबार की जानकारी होना जरूरी है। पहले तो ये ध्यान में रखिए कि पुलिस ने जिन 5 सपेरों को गिरफ्तार किया है उनके पास से 9 सांप और करीब 20 ml सांप का जहर जब्त किया है। और सांप भी कोई ऐसे वैसे नहीं, 5 कोबरा सांप, जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी माना जाता है, वो भी पार्टी में सप्लाई किया गया था। कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक होती है। ये कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि कोबरा कितना जहरीला है। इंटरनेशनल मार्केट में तो कोबरा के 1 लीटर जहर की कीमत करोड़ों रुपए तक हो सकती है। करीब 200 कोबरा से 1 लीटर जहर निकलता है। कोबरा और अन्य जहरीले सांप और उनके जहर का बाजार भी अरबों रुपयों का है, जिसकी डिमांड जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से इसकी तस्करी भी बढ़ रही है। हर साल भारत में सांप का जहर पकड़ा जाता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। वर्ष 2017 से 2022 के दौरान अकेले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर ही 164 करोड़ रुपए कीमत का सांप का जहर पकड़ा जा चुका है जिसकी तस्करी की जा रही थी। यानी सांप के जहर का कारोबार जितना बड़ा है
उसके सामने तो एल्विश यादव पर लगा सांप के जहर की तस्करी का केस सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एल्विश यादव अगर वाकई इसमें शामिल हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें सांप के जहर की सप्लाई करने वाला कौन है। Z News.